Happy birthday to you. Happy birthday. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ आप सबकी एकता. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे. टुडे इज़ माय बेबी बर्थडे. जी हाँ, उसका बर्थडे है आज और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पहली बार उसका नाना के यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है. मतलब दूसरा ही बर्थडे है. पहला बर्थडे कानपुर में था फैमिली के साथ और यहाँ उसकी नाना वाली फैमिली के साथ उसका दूसरा बर्थडे है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. भाई लोग सारे बाहर के प्रिपरेशन के लिए, जो भी शॉपिंग करनी थी उसके लिए, वो लोग गए हैं हुए हैं. और बाकी जो प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करनी है वो मैं करूँगी. डेकोरेशन मैं ही करूँगी जस्ट बिकॉज और घर में ऐसा कोई है नहीं जो करे. जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए हैं, तो बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ बगीचे में आके अपना ब्लॉग क्यों आजकल स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ, मुझे ग्रीनरी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है. बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट करना मेरा. बस चले तो मैं यहाँ पूरे दिन अपना बिता दूँ, बहुत अच्छा लगता है. ये स्पेस जो है ना यहाँ का, मैं यहाँ हमेशा टहलती रहती हूँ. ये है चीकू का पेड़ गाइस, इसमें चीकू लगे हुए हैं और बहुत ही टेस्टी होता है. मतलब बहुत ही मीठा. मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ भी चीकू हो सकता है, पर बड़े पापा ने एक बार लगाया था तो मैं उनको बोल रही थी कि नहीं, उसमें चीकू नहीं लगेंगे, देख लेना, वो इधर होता ही नहीं क्योंकि ये गुजरात के साइड का फ्रूट है तो ये वहीं पर होता है. लेकिन उन्होंने कहा नहीं होगा और बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं. मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, एक्चुअली लेके चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं और एक दो तो गिरते भी हैं, मैंने एक दो खाए भी और टेस्ट तो बिल्कुल भी वही है. आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आप लोगों को फ्रूट दिख रहा हो. मैं पास ले जाती हूँ. वाह, क्या सीन है. तो इस तरीके से कुछ चीकू यहाँ पे लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ, तो चलिए आज व्लॉग में जो भी होगा मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी. पहले तो प्रिपरेशन करना है बहुत सारा. बिल्कुल भी व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, रेडी रहिएगा व्लॉग देखने के लिए. बहुत जल्दी मैं ये व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. तो गाइज, पीछे मैंने हैप्पी बर्थडे लगा दिया है. अब मैं फ़ोन को एक जगह रखूँगी टिका के, उसके बाद बाकी के प्रिपरेशन चालू करूँगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेकोरेशन कंप्लीट. थोड़ा बहुत अभी टेबल डेकोरेट करना बाकी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. किसका बर्थडे है? आशु का है. डेकोरेशन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है हैप्पी बर्थडे? कैसा लग रहा है हैप्पी बर्थडे? अच्छा है, अच्छा है. अभी तू क्या खा रही हो? क्या खा रही हो आशु?
मेरे बच्चे का बर्थडे है। बोलो बेटू हैप्पी बर्थडे। ये पार्टी की तैयारी हो रही है। गद्दा भाभी क्या कर रही हो? गद्दा भाभी दाल फ्राई की तैयारी। दाल फ्राई की तैयारी। और बस अपना भाभी आप क्या कर रही हैं? चोखा बनाने की तैयारी। ये चोखा बनाने की तैयारी कर रही है। आने तुम क्या कर रही हो? बस वीडियो में आने के लिए बैठ गई है तान्या। तैयार हो के क्या कर रही हो तान्या? आने बीच बैठी है। भैया जब दाल बनाएंगे मेरे हलवाई भैया मेरे जब दाल बनाएंगे तो मैं आ रही हूँ चूल्हे के पास। ये है चोखा का सामान और इसमें रखा गया है आलू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ashvi. Happy birthday to you. खड़ी हो खड़ी। Happy birthday to you. आज का बर्थडे हो गया भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। आशु लो आशु फोटो लो। अरे वो रख दो चलो उसको काट दो। हेलो लो काट दो काट दो। हेलो 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 भरोसा रही है कि नहीं रही अपने घर में। फाइनली केक कट चुका है और सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना है। अच्छा इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।
और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करना है ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।